हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी वर्कआउट। ये प्रेगनेंसी योगा है। दिस इज यूजुअली सेफ फॉर ऑल ट्राइमेस्टर। मैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई 8th month। और आपको इस वर्कआउट के लिए किसी भी इक्विपमेंट की या ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ अ कम्फर्टेबल मैट। इसके अलावा अगर आपके पास एक अच्छा कुशन या पिलो है तो वो भी आप ले सकते हैं, जो इस वर्कआउट में आपको हेल्प करेगा। तो इस वर्कआउट के लिए मैं इस कंफर्टेबल कुशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फॉर्म है थोड़ा सा, आप एक फॉर्म पिलो का या फिर अगर आप योगा करते हैं तो योगा ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पर बैठेंगे इन अ क्रॉस लेग पोजीशन। इस तरह से बैठने से आपके मिड सेक्शन में ज़्यादा एरिया क्रिएट होगा और आपका बेबी जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, स्पेशली अगर आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं। तो ज़्यादा स्पेस बनाने से वर्कआउट करना आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करेंगे। सो 5 to 6 टाइम इनहेल एंड एक्सहेल। और इन अ वे आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इस वर्कआउट के लिए ऐसा करके प्रिपेयर करेंगे। सो अगर आपके पास कोई अफर्मेशंस हैं या फिर अगर आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं वर्कआउट से पहले, तो आप अपने ब्रेन में अपने आप को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे वर्कआउट की विद सम स्ट्रेचेस। तो सबसे पहले हम अपने नेक को स्ट्रेच कर रहे हैं लेटरल यानी साइड में फ्लेक्स करके। तो इस तरह से 4 to 5 टाइम्स हम करेंगे। नाउ राइट एंड लेफ्ट रोटेशन से हम अपने नेक को हल्का सा वार्म अप करेंगे। आप एक साइड अपने फेस को जब करेंगे, यू कैन ईदर काउंट टू 3 or 4 या फिर आप ब्रेथ काउंट कर सकते हैं। 2 to 3 डीप ब्रेथ्स आपको लेनी है। नाउ फ्रंट एंड बैक स्ट्रेच। तो कई लोगों को प्रेगनेंसी में जब वो फुल नेक का रोटेशन करते हैं, दे डोंट फील वेरी कंफर्टेबल। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग फुल रोटेशन, हम इस तरह से अपने नेक को स्ट्रेच करेंगे। अगला जो हमारा वार्म अप है वो है शोल्डर रोटेशन। तो बैक टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हम इसे करेंगे। या तो आप सारे जो फॉरवर्ड हैं वो एक बार फिनिश कर सकते हैं या फिर एक एक करके ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट वी आर अगेन स्ट्रेचिंग आर शोल्डर एंड डेल्टॉइड्स। इस तरह से ध्यान रखें कि आपकी जो चिन है वो आपके शोल्डर पे प्लेस नहीं करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको अपने हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है। यूज योर अदर हैंड टू स्ट्रेच इट फर्दर। इससे आपका थोड़ा बहुत ट्राइसेप भी स्ट्रेच हो रहा है। नेक्स्ट हम इस तरह से कोबरा पोज में जाएंगे और अपने आर्म्स को हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। नेक्स्ट वी विल वार्म अप आवर फिंगर्स एंड आवर रिस्ट। हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में अपने रिस्ट का और अपने हैंड्स का यूज करेंगे, तो उन्हें भी वार्म अप करना जरूरी है। नेक्स्ट इज द एप्पल स्ट्रेच या फिर शोल्डर एंड फुल आर्म स्ट्रेच। तो इस तरह से जितना आप क्लोज ले जा सकें अपने हैंड्स को दोनों पीछे की तरफ, कोशिश करें अगर आप टच कर सकें या उन्हें होल्ड कर सकें, अदरवाइज जितना कंफर्टेबल है। कोशिश करें पूरे वर्कआउट में आप अपनी बॉडी के साथ जेंटल रहें एंड डू नॉट पुश योरसेल्फ हार्ड। नेक्स्ट इज द लेटरल या फिर साइड या फिर ओब्लीक स्ट्रेच। एक हाथ को आपको नीचे प्लेस करना है और दूसरे हाथ को आपको स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। लुक अपसाइड। आप चाहे तो हल्की सी मूवमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं इस
पॉस्चर के अंदर या फिर आप स्टिल रहकर इसे मेंटेन कर सकते हैं। आपका जो पूरे ओब्लीक्स हैं, जो लेटरल साइड्स हैं, वो स्ट्रेच होंगे इसमें। एक बार फिर से सेम स्ट्रेच हम रिपीट करेंगे। ऐसा करके आप थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट करेंगे अपने बेबी के लिए और कंफर्टेबल उसे फील कराएंगे। नेक्स्ट इज फ्रंट स्ट्रेच। तो इस तरह से हम अपनी अपर बैक को स्ट्रेच करेंगे। एंड नाउ द ऑपोजिट स्ट्रेच। हल्का सा आपको टिल्ट करना है अपने नीज को नीचे की तरफ और फिर बैक साइड पर स्लाइड करना है। अगेन एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बी जेंटल एंड बी नाइस टू योरसेल्फ एंड योर बेबी। नेक्स्ट इज द साइड रोटेशन। मेरे पास पीछे स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन कोशिश करें आप जितना बड़ा सर्कल बना सकें। सो वी विल डू द सेम एक्सरसाइज ऑन द अदर साइड। ट्राई टू मेक एज बिग एज ऑफ अ सर्कल एज पॉसिबल। वंस यू आर डन, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसके लिए हम सीटेड स्प्लिट स्टांस लेंगे, यानी इस तरह से अपने लेग्स को स्प्रेड करेंगे। पहले हम एक बार फिर से लेटरल स्ट्रेच करेंगे। ये पोस्चर आपकी प्रेगनेंसी में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका जो पेल्विस एरिया है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। जरूरी नहीं है कि आप अपने इस तरह से टो को पकड़ें, आप चाहे तो अपने शिन को या एंकल को भी टच कर सकते हैं। जितना आप कंफर्टेबली बेंड हो सकें और जितना कंफर्टेबली आप अपने लेग को होल्ड कर सकें। ट्राई कि आप एक अच्छा स्ट्रेच दें अपने स्पाइन को बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज। तो हल्का सा अपनी बॉडी को आप ऊपर लेके जाइए, अपने स्पाइन को आप स्ट्रेट कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। नाउ वी विल बेंड वन लेग एंड डू सम फॉरवर्ड बेंड्स। अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जितना आपके लिए कंफर्टेबल है आप अपने शिन को, नी को, एंकल को या फिर इस तरह टो को पकड़ सकते हैं। लुक फॉरवर्ड एंड स्टे स्टिल, मेंटेन दिस पोज फॉर सम टाइम। Now we will repeat the same stretch on the other side. इस तरह से fold करेंगे हम अपने leg को, spine को straight करेंगे और धीरे धीरे forward bend करेंगे। जहाँ तक आपकी body आपको allow करे उतना आप stretch कीजिए। Be gentle and be kind on yourself. Do not push yourself too hard. ये जो workout है ये part 1 है of pregnancy yoga. इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। इन केस यू वांट द फुल 30-40 मिनट्स वर्कआउट, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके एक वर्कआउट कर सकते हैं। दिस इज बटरफ्लाई पोज। इस तरह से हम बटरफ्लाई पोज पे जाएंगे और जेंटली फ्लिप करेंगे अपने लेग्स को अप एंड डाउन। अपने पेल्विस एरिया को हल्का सा और स्ट्रेच करने के लिए आप इस तरह अपने नीज को भी जेंटली प्रेस कर सकते हैं। Another way to stretch your pelvis area is to slightly bend your knees, lift them up and push them with your elbows. Relax for a while and let's move on to the next exercise. हल्का सा हम एक ट्विस्ट परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो आपको बनाना है फिगर ऑफ फोर। इस तरह से बनता है फिगर ऑफ फोर। अगर आप इस तरह से क्रॉस लेग नहीं भी कर सकते तो जहाँ तक आपकी बॉडी आपको अलाउ करे आप कीजिए और फिर हल्का सा अपनी बॉडी को आप ट्विस्ट कीजिए टूवर्ड्स दी बैक।
आप ये फिगर ऑफ फोर दोनों साइड भी बनाकर इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। होल्ड योर पोजिशन फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 ब्रेथ आपको लेनी है। इस पोस्चर में हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो है फॉरवर्ड बेंड। तो अगेन गो ऑन अ सीटेड स्प्रिट स्टांस, अपने लेग्स को स्प्रेड कर दीजिए और धीरे धीरे जितना बॉडी आपको अलाउ करे उतना फॉरवर्ड बेंड कीजिए और जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो वहाँ तक जाके थोड़ा सा होल्ड कीजिए उस पोजीशन को। अब हम जाएंगे प्रेगनेंसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज या पोज जिसे मैं कहती हूँ उसमें, और वो है योगी या इसे मल आसना या गार्लैंड पोज भी कहा जाता है। तो इस तरह यू विल गो ऑन योर नीज एंड देन आपको इस तरह से ये पोस्चर मेंटेन करना है। इन केस आपको इसे मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होती है, आप जो कुशन है उसी पर बैठ के इस तरह से अपना पोज कर सकते हैं, यानी यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ अ पिलो, आप उसे अपने नीचे रख के इस पोज पर जा सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे नीलिंग पोजीशन पे अपने क्वाड्रेप्स को स्ट्रेच करने के लिए। तो इस तरह से आप दोनों हाथ से स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर एक से वॉल का सपोर्ट लेके भी अपने क्वाड्स को यानी फ्रंट थाइस को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। For our next set of exercises, we will go on a quadricep position, yani apne all fours pe, hands and knees. Ye hai bird dog stretch, to opposite arm and opposite leg hume lift karna hai aur use hold karke rakhna hai kuch der. Now we will do it with the opposite hand. नेक्स्ट इज दी हिप रोटेशन। यहाँ पर आपको इस तरह से फील करना है एज इफ जिस तरह से एक कैंडी जो होती है वो पहले इनर रोटेशन से बाहर की तरफ रोटेशन जाती है। तो पहले छोटे सर्कल बनाएंगे एंड देन ट्राई टू मेक अ बिगर सर्कल, और हमें ये दोनों साइड करना है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। नेक्स्ट वी विल गो ऑन अ लंच पोजिशन। जिस तरह से हम स्टैंडिंग लंचेस करते हैं वो हम करेंगे लेकिन नील डाउन पोजिशन में, यानी हमारा एक नी जो है वो ग्राउंड पे रहेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज आपके रेक्टस फेमोरिस यानी जो आपकी थाइस होती हैं अपर थाइस, आपके ग्लूट्स यानी हिप्स के लिए और हैमस्ट्रिंग्स पे भी काम करती हैं ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी विल डू सम लेटरल नीलिंग लंजेस। तो इस तरह से साइड में एक लेग अपना स्ट्रेच आउट करेंगे और साइड बेंड करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर अबडक्टर्स एंड एडक्टर्स, आपके साइड्स के लिए ओब्लिक्स के लिए भी ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। वी विल रिपीट द सेम ऑन द अदर साइड एंड एज आई सेड जितना आप बेंड हो सके, जितने आप नीचे बेंड हो सके कंफर्टेबली उतना ही आप बेंड हो। नेक्स्ट वी विल स्प्रेड आवर लेग्स और इस तरह से उसे बेंड करेंगे एंड वी विल डू सम लंजेस। अगेन ये लेटरल लंजेस हैं और हम हल्का हल्का पल्स कर रहे हैं। वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर पेल्विस एरिया एंड आपके मिड सेक्शन के लिए भी, साथ ही आपके लेग्स के लिए भी।
नाउ स्प्रेड आउट योर लेग, धीरे धीरे उसे साइड में लेकर जाइए और अब हम करेंगे हाफ लिजर्ड पोज। तो यहाँ पर आप जितना कंफर्टेबल हो उतना नीचे जाएं। आप चाहें तो अपने हैंड्स को आप सीधा रख सकते हैं और यू कैन बेंड योर हैंड्स। तो वो ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप करना चाहें तो उस पोज को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अदर साइड वी आर डूइंग लेटरल लंजेस और उसमें भी हल्का हल्का हम पल्स कर रहे हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ऑल्सो होल्ड दिस पोजिशन फॉर 4 to 5 ब्रेथ। सो मैं ये वर्कआउट थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी फॉलो कर रही हूँ। सो आई डू इट फॉर 30 to 40 मिनट्स, जो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंबाइन करके दिखेगा। केयरफुली गेट अप, अगर आपके आसपास कोई वॉल है या चेयर है उसका सपोर्ट लीजिए। एंड दिस इज द गॉडेस पोज। गॉडेस पोज जो होता है वो भी बहुत अच्छा है इन योर प्रेगनेंसी। इफ यू डू दिस, आपको अपने जो लेग्स हैं, जो टोज हैं, वो बाहर की तरफ रखने हैं एंड हल्का हल्का आप पल्स कर सकते हैं। नाउ इन दिस सेम पोजिशन वी विल डू सम सूमो स्क्वाट्स। तो जितना आप कंफर्टेबल हैं, आप 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, आप 10 कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, आई एम श्योर कि आप आसानी से 20 या 25 सूमो स्क्वाट्स लगा सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू ब्रीथ प्रॉपरली। जब आप नीचे जाएंगे, ब्रीथ आउट, अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए एंड ट्राई टू गो एज लोअर एज पॉसिबल। सो दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ पार्ट 1 वर्कआउट। If you would like to continue, मैं जल्दी second part upload कर दूंगी और इसका link इस video के नीचे provide कर दूंगी in the description box। आप straight away उसे click करके part 2 start कर सकते हैं, जिसके अंदर proper end भी है इस workout का।